कल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड कर रहे थे। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड में कल एक तो बॉडी डायगोनल वाले पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैप्सेंस निकालनी थी क्यूब में, और एक हमने किसके अबाउट निकालनी थी, क्या कहते हैं, फेस डायगोनल के अबाउट। ठीक है, कल हमने क्या करा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड कर रहे थे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड में हमारे पास क्या था, एक हमने क्या करा था, बॉडी डायगोनल वाले पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैप्सेंस निकाल लिया था, और एक फेस डायगोनल वाले पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैप्सेंस निकाल लिया था क्यूब वाले सर्किट में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे अगेन वही सेम क्यूब है, ठीक है, देखो हम किन्हीं भी दो एडजेसेंट पॉइंट्स के अबाउट अगर इक्विवेलेंट कैप्सेंस निकालना चाहें, किन्हीं भी दो एडजेसेंट पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एडजेसेंट पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैप्सेंस जानना चाहते हैं, तो हमने इसको ई दे दिया और इसको क्या दे दिया, जीरो। सी इक्विवेलेंट अबाउट एडजेसेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन हमें पता ही है, किन्हीं भी दो इंटरसेक्शन के बीच में, मतलब किन्हीं भी दो वर्टिसेस के बीच में कैपेसिटेंस कितना है, सी है, सी है, सी यहां और यहां के बीच में, सी यहां और यहां के बीच में, सी। ठीक है, 12 कैपेसिटर्स हैं एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट एडजेसेंट पॉइंट्स, हमने इसको ई दिया, इसको जीरो दिया। अब अगेन हम वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएंगे, यहां से यहां जाएंगे तो एक कैपेसिटर पार करा तो कोऑर्डिनेट इज वन, और यहां से जब यहां आएंगे एक और एक, ये दो, तो ये हो गया वन टू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम इस पे आते हैं तो वन एंड टू, और इधर से आते हैं वन टू एंड थ्री, तो टू थ्री। ठीक है, अगर हम इस पे आते हैं, इस वाले पे वन टू एंड थ्री शॉर्टेस्ट पाथ, और यहां से वन एंड टू, तो थ्री टू। इस पे जाते हैं बेटा तो यहां से गए डायरेक्ट तो कितना वन, और यहां से आए वन एंड टू तो कितना हो गया वन टू। ठीक है, इतनी बात। इस पे आ जाए बेटा, इस पे तो जरा देखो, इस पे कितना वन एंड टू तो कितना टू, और यहां से गए तो वन टू वन, एक ये पॉइंट बचा, यहां से गए वन टू, और यहां से आए तो वन। कोऑर्डिनेट देने में किसी को दिक्कत है, कोऑर्डिनेट दे लिए सबने, अरे यस और नो लिखो फटाफट। ठीक है, कोऑर्डिनेट सबके क्लियर हो गए। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, जिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम है उनको सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मानेंगे, उनको क्लब करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, सेम पॉइंट्स मांग देंगे। ठीक है, इतनी बात। हर्षित बिरवानी, क्या रिपीट करना है भाई, जरा बताना हर्षित, हर्षित जल्दी से बताना बेटा क्या रिपीट करना है। कोऑर्डिनेट्स भाई, कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, ई वाले पॉइंट से सबसे छोटे रास्ते से किसी भी पॉइंट पे जाना है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूं तो एक ही कैपेसिटर पार कर रहा हूं, एक पार कर रहा हूं, तो मैंने इसको कोऑर्डिनेट दिया वन, और इस पॉइंट पे अब जीरो से आना है सबसे छोटे रास्ते से, तो एक और एक, ये दो, दो कैपेसिटर पार करे तो वन टू, इसको देखें एक और ये दो, तो दो कैपेसिटर पार करे टू, और यहां से एक कैपेसिटर पार करा तो वन, इस टाइप से देना है। ठीक है, इतनी बात, तो एक बार खुद ट्राई करना। हाँ, बीच में कहीं भी रास्ते में जीरो और ई नहीं आना चाहिए किसी भी पॉइंट पे पहुंचते हुए। ठीक है, और सबसे छोटा पाथ होना चाहिए, क्लियर। अब बना लेते हैं, हमारा सर्किट स्टार्ट हो रहा है कहां से, ई से, और खत्म कहां हो रहा है, जीरो पे। ठीक है, अब एक चीज देखो, वन टू वाला पॉइंट ई के पास है, तो वन टू वाला पॉइंट हमने यहां बना दिया, टू वन वाला पॉइंट जीरो के पास है,
तो उसको यहां बना दिया, ठीक है। 2-3 वाला पॉइंट इसके पास है और इससे थोड़ा दूर है, तो 2-3 वाला पॉइंट मैंने यहां बना दिया और 3-2 वाला पॉइंट जीरो के पास है, ई से दूर है, उसको यहां बना दिया। एक ही साइड बनाना है सब कुछ, ठीक है, इतनी बात। ई जीरो को जोड़ने वाली लाइन के एक साइड में सारा सर्किट बनाना है, अगर दोनों साइड में बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देखो ई से 1-2 कितने हैं, ई से 1-2 एक और एक ये दो, तो दो कैपेसिटर ये आ गए। 1-2 से 2-1 कितने हैं, एक और एक ये दो, 1-2 से 2-1 भी दो हैं। 2-1 से जीरो कितने हैं, एक और एक ये दो, ठीक है। अब 1-2 से 2-3 कितने हैं, 1-2 से 2-3 एक और एक ये दो, तो ये दो आ गए, ठीक है। 2-3 से 3-2 कितना है, एक है। 3-2 से 2-1 कितना है, एक और एक ये दो, सारा बन गया क्या, चेक करो सारा कंप्लीट हो गया, चेक करो भाई कंप्लीट हो गया सारा। मेहित कह रहा कंप्लीट हो गया, यस। और कोई नहीं भाई, सारा नहीं बनाया। आपको मैंने एक बात बताई थी कि आप पहले नंबर ऑफ कैपेसिटर्स काउंट करो, 12 होने चाहिए, तो 12 नहीं है यहां, जरा देखो, 2, 2-4, 2-6, 2-8, 2-10 और 11, एक बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है, ई से जीरो बचा हुआ है, तो ई से जीरो भी बना दो एक। अब कंप्लीट हुआ है, क्लियर है इतनी बात, अरे क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अब हम सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, जरा देखो, ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 2C, ये 2C, ये 2C, तो सर्किट रिड्यूस कर लेते हैं। ई अगेन दिस इज जीरो, दिस इज 1-2, दिस इज 2-1, ठीक है, इतनी बात। ये हमारा सी, ये हमारा 2C, ये हमारा 2C, ये हमारा 2C, ये भी 2C, ये सी और ये 2C, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बता दो मुझे जरा, रिएशन हो, अरे ठीक है चेक करो सही है। अब ये 2C, ये सी और ये 2C किसमें, सीरीज में, ये ऊपर वाले तीनों किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। अगर ऊपर वाले तीनों सीरीज में करें तो कितना आ जाएगा, C/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे यस और नो, चलो करके देख लो। 1/C' = 1/2C + 1/2C + 1/C, 1/C' = नीचे 2C, 1+1+2 कितना, 4/2C, यानी कि C/2 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये सर्किट फर्दर रिड्यूस हो गया। कैसे रिड्यूस हो गया जरा देखो, ये हमारा E, ये हमारा 0, एक तो ये रहा C, ठीक है, इसके बाद ये 1-2, ये 2-1, ये कितना 2C, ये कितना 2C, ये कितना 2C और ऊपर कितना बेटा ये C/2, यस और नो, अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, ठीक है। अब ये C/2 और ये 2C किसमें, पैरेलल में हो गया, तो सर्किट हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल में हो गया तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2.5C, मतलब 5C/2, तो क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास C
2, 1, 1, 2, ये कितना 2c, ये 2c और ये कितना 5c by 2, yes or no? अरे yes or no? ठीक है, अब ये तीनों किसमें, सीरीज में, अब ये तीनों सीरीज में बेटा, तो जरा देखो 1 upon c double dash is equal to 1 upon 2c plus 1 upon 2c plus 2 by 5c, हाँ या ना? तो जरा देखो कितना आ गया, 1 upon c double dash is equal to 10c ऊपर 5 plus 5 plus 4, हाँ या ना? तो 10c by 14 यानी कि 5c by 7, यस और नो? 10c by 14 मतलब 5c by 7, ठीक है, इतनी बात। तो अब क्या हो गया, ये हमारा e, ये हमारा 0 और ये 5c by 7 और इधर ये c, हाँ या ना? अब ये दोनों किसमें, पैरेलल में। अब अगर ये दोनों पैरेलल में तो c equivalent is कितना बेटा, 12c by 7, 12c by 7, क्लियर है सबको? अरे क्लियर है भाई, चलो अब आगे बात करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उसके बाद बात करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, क्वेश्चन कैसा, पिरामिडल नेटवर्क है, जरा देखो कैसे, ये हमारे पास सबका कैपेसिटेंस कितना सी सी सी। अब फिर ऐसे करके थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, समझ में आया क्या है, पिरामिड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा है सबको पिरामिड, चेक करो नीचे बेस स्क्वायर है, उसके ऊपर ऐसे करके छत दोनों ऐसे टेपर में दीवारें बना दी, ठीक है, अब प्रिज्म टाइप का, ठीक है, पिरामिड या प्रिज्म जो भी कहना चाहो। अब क्या कहानी है, अब इशू क्या है, किन्हीं भी दो इंटरसेक्शन के बीच में कैपेसिटेंस सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, सब जगह सी है, मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है, इतनी बात, किन दो पॉइंट्स के बीच में, जरा देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो इसको ई दे दिया, इसको जीरो दे दिया, कोई दिक्कत है भाई, कोई इशू है, ठीक है, अब कर लेते हैं। अब आप देखो, अगर मैं यहां आता हूं तो यहां से यहां गया तो एक कैपेसिटर पार करा, और यहां से एक और एक ये दो, तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, ठीक है, इसकी बात करें 1 and 2, और यहां से आए तो 1, ठीक है, इतनी बात। अब आप इस पे आ जाओ टॉप पे 1, 2, और यहां से आ जाओ 1, 2, 2, 2, ठीक है, अब इस पे आ जाओ 1 और यहां से आ जाओ 1, ऐसा कुछ है या नहीं है, हाँ या ना? अब यहां पर कोऑर्डिनेट कोई भी सेम नहीं आ रहे हैं, देखो आप कोऑर्डिनेट कोई भी सेम नहीं आ रहे हैं, तो बना लेते हैं फिर भी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक मिनट, ये e और ये 0, बिल्कुल बीच में 1 बनाएगा क्योंकि दोनों से बराबर दूरी पे है, हाँ या ना? उसके बाद 2, 2 भी दोनों से बराबर दूरी पे है, यहां पर 2, 2 आएगा। अब 1, 2 E के नजदीक है तो यहां पर 1, 2 बना दिया हमने, और 2, 1
जीरो के नजदीक है तो उसको यहां बना दिया हमने। अब आप सर्किट बना लो, ई से वन वन एक, वन वन से जीरो भी एक, ये आ गया, ई से वन टू एक, ठीक है, टू वन से जीरो एक, ये भी है, वन टू से टू वन एक, ऐसे ये भी है, ठीक है। अब वन टू से टू वन, वन टू से टू टू एक, वन टू से टू टू कितना, एक है कि नहीं है, ठीक। और टू टू से टू वन, ये भी एक है, और वन वन से टू टू एक है। ये सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा आप हमारे पास, जरा चेक करो बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो, ठीक है। अब इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लेते हैं बेटा, ठीक है। अब जरा देखो कैसे आप क्या कर सकते हो उसमें। हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो ये बीच में एक सिमेट्रिकल सा सर्किट कैपेसिटर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा सिमेट्रिकल सा कैपेसिटर बेटा, ई और जी, अच्छा हाँ एक छूट गया भाई, सॉरी एक छूट गया, बच्चे सही कह रहे हैं, एक छूट गया, ई और जीरो वाला, ये भी छूट गया, यस और नो, ठीक है। अब हो गया कंप्लीट, अब बना दिया मैंने ई से जीरो, भी बन गया ई से जीरो। अब आपके पास सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका आप खुद निकालोगे, सारे के सारे क्या है, सी 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 सी, ठीक, इतनी बात क्लियर है, कर लोगे सबके सब, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इनफाइनाइट नेटवर्क्स हैं, इनफाइनाइट नेटवर्क्स। अब इनफाइनाइट नेटवर्क्स कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने क्या करा, सबसे पहले लैडर नेटवर्क की बात कर रहा हूं, लैडर नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो भाई, लैडर नेटवर्क कैसा, इनफाइनाइट, मान लो हमने ऐसा कुछ सर्किट दिया आपको, ऐसा कुछ। अब अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो इसमें आप कर क्या रहे हो, ये आपके पास एक यूनिट सेल है, इसके आगे सेम एक और जोड़ दे रहे हो आप, इसके आगे फिर एक सेम और जोड़ दे रहे हो, एक और जोड़ दे रहे हो, मतलब ये हमारे पास यूनिट लैडर है या यूनिट सेल, यूनिट लैडर है। इसके आगे सेम एक, बिल्कुल एग्जैक्ट लैडर जोड़ दिया आपने, उसके आगे फिर सेम एक लैडर जोड़ दिया आपने, ऐसे जोड़ते जोड़ते यूनिट लैडर्स को जोड़ते जोड़ते आपको इन्फिनिट नेटवर्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अरे यस और नो। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, ठीक है। सेम एक और ले लेते हैं,
इसमें यूनिट नेटवर्क क्या है, यूनिट लैडर क्या है, ये है, ऐसे जोड़ते जाओ आपको इन्फिनिट नेटवर्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अरे यस और नो, अरे यस और नो बोलो भाई। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अगर मुझे मान लो ऊपर वाले के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो मैं क्या तरीका अप्लाई करूंगा वो देख लेते हैं। मान लो सी इक्विवेलेंट, आंसर आता है सी इक्विवेलेंट, मान लेते हैं आंसर कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, मैंने निकाला नहीं, मान लेते हैं आंसर सी इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, इतनी बात, कितने यूनिट लैडर्स हैं, इन्फाइनाइट हैं। ठीक है, इतनी बात। तो अब आप एक बात बताओ मुझे, ये पॉइंट अगर पी है और ये पॉइंट क्यू है, मैं इस वाले को हटा देता हूं, पहले वाले को गायब कर देता हूं, पहले वाले को गायब कर देता हूं, P और Q के अबाउट आंसर क्या आएगा बेटा, जरा बताना मुझे, P और Q के अबाउट आंसर क्या आएगा C इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बदलेगी या नहीं बदलेगी? हार्दिक ढल कह रहा है सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी भाई। क्यों सेम रहेगी, मेरी बात सुनो, क्यों? क्योंकि A और B के आगे इनफाइनिट लेटर्स हैं और P और Q के आगे भी इनफाइनिट लेटर्स हैं, कोई एक हटाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं सी अबाउट पी क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अरे कह सकते हैं भाई, ठीक है कह सकते हैं, तो यस लिखो फटाफट, सी अबाउट पी क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, अरे कह सकते हैं तो यस लिखो फटाफट। नाउ अब इसका मतलब, अब ये जो हमारे पास सर्किट है ये वाला, ये कैसा रिड्यूस हो गया, ए सी वन सी टू बी और पी और क्यू के अबाउट मैंने यहां लगा दिया सी इक्विवेलेंट, लगा दिया कि नहीं लगा दिया, हां या ना, अरे यस और नो, और ए और बी के अबाउट भी आंसर क्या आ रहा है, सी इक्विवेलेंट ही आ रहा है। ठीक, चलो अब बड़ा आसान सा हो गया। अब आप देखो सी टू और सी इक्विवेलेंट ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, सी टू और सी इक्विवेलेंट एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल में, यस और नो, सी टू और सी इक्विवेलेंट एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल में। चलो तो कर देते हैं भाई, तो जरा देखो सर्किट नाउ रिड्यूसेस टू, हाँ या ना, अगर मैंने सही लिखा तो यस लिखो फटाफट, लिखो भाई यस जल्दी से। ठीक है, अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर आ रहा है, सी इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट अपॉन C1 वन प्लस सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट, हाँ या ना, चेक करो मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अमानत यस लिख रही है, बाकी कोई, हार्दिक भी यस लिख रहा है, अब सार्थक भी यस लिख रहा है। ठीक है, अब मजेदार बात देखो यार, मजेदार बात क्या हो गई बेटा, दिस इज नाउ, देखो सी वन सी टू आपको पता है, सी इक्विवेलेंट अननोन है, This is now quadratic in C equivalent, हाँ या ना, ये quadratic equation बन गया C equivalent में, solve for C equivalent,
जो पॉजिटिव रूट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हमारा क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, यस और नो? क्योंकि एब्सटेंस नेगेटिव नहीं होती भाई, जो हमारा पॉजिटिव रूट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब एक आधा सवाल कर लेते हैं इस पे। अगर इसी में C1 को मैं C कर दूं और C2 को 2C कर दूं, तो यहां वैल्यू डाल देना यार, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे यस और नो मिल जाएगा भाई, बोलो बच्चों। ठीक है चलो, अब अगला देखते हैं इनफिनिट नेटवर्क। देखो कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं जैसे इस चैप्टर में बता दूंगा, फिर मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने होंगे, रूल्स दोनों के लिए सेम है। तो अगर मैं यहां पर कोई क्वेश्चन कम करता हूं तो वहां क्वेश्चंस क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है इतनी बात, अगर यहां कम होंगे तो वहां बढ़ेंगे और वहां बढ़ेंगे तो यहां कम होंगे, ठीक है इतनी बात। जैसे मैंने एंटी सिमेट्री वाले का प्रूफ यहां दे दिया, तो अब मैं रेजिस्टेंस वाले में एंटी सिमेट्री वाले का प्रूफ नहीं दूंगा, सिमेट्री वाले का प्रूफ नहीं दूंगा, ठीक है इतनी बात। पोटेंशियल मेथड डायरेक्ट यूज करूंगा सवाल करते हुए, ठीक है क्लियर है। इनफिनिट लैडर नेटवर्क डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है, तो अपना समय भी बचता है। फिर उस चैप्टर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हम अपने आप सीख गए, बस सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले उल्टे हो जाते हैं, जो यहां सीरीज का फॉर्मूला है वो वहां पैरेलल का हो जाता है और जो यहां पैरेलल का है वो वहां सीरीज का हो जाता है, यही होता है, बाकी तो कुछ नहीं। अब आते हैं इनफिनिट नेटवर्क ग्रिड वाला। अब जरा देखो ग्रिड में क्या है, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, कहीं खत्म नहीं हो रहा है। किन्हीं भी दो इंटरसेक्शंस के बीच में कैपेसिटेंस सी है, सी है, सी है, सी है, दो इंटरसेक्शंस के बीच में कैपेसिटेंस कितना है, सी है, किन्हीं भी दो इंटरसेक्शंस के बीच में, क्लियर है? अरे ठीक है भाई, आप कहीं भी दो पॉइंट्स को देखोगे तो वहां से आपको नेटवर्क चारों डायरेक्शन में इन्फिनिट दिखाई पड़ेगा, यस और नो? हार्दिक यस कह रहा है, बाकी लोग सब, चलो सब लोग यस कह रहे हैं। अब मजेदार बात देखो, मुझे क्या दिखेगा, मुझे इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के अबाउट, क्लियर है इतनी बात? अरे भाई ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, मान लेते हैं आंसर हमारा इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के अबाउट सी इक्विवेलेंट आता है, क्या आता है आंसर, सी इक्विवेलेंट आता है, ठीक है, जो हमें निकालना है, आंसर कितना आ गया बेटा, सी इक्विवेलेंट, ठीक। अब मजेदार बात देखो, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट देखोगे बेटा, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट, तो इनके अबाउट भी तो आंसर सी इक्विवेलेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के अबाउट भी सी इक्विवेलेंट आएगा, इन दोनों के अबाउट भी सी इक्विवेलेंट आएगा, इन दोनों के अबाउट भी सी इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि सर्किट हर तरीके से क्या है, सेम है चारों तरफ से देखने में। तो अब देखो सर्किट रिड्यूस क्या हो गया, एक यूनिट सेल स्क्वायर ही था उसको रहने दिया, जैसे हमने पहले इनफिनिट लैडर में भी एक यूनिट लैडर को रहने दिया था, तो इसमें यूनिट सेल क्या है, स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दिया। इन दोनों पॉइंट के अबाउट आंसर आ गया सी इक्विवेलेंट, इन दोनों के अबाउट भी क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट, इन दोनों के अबाउट भी क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट, और इसके अबाउट आंसर है ही क्या, सी इक्विवेलेंट। सर्किट ऐसा रिड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता, बता दो मुझे फटाफट, जल्दी से बताओ भाई, सर्किट ऐसा बना सकते हैं? हार्दिक यस कह रहा है, विटुल भी यस कह रही है, अदिति यस, पूर्वा यस,
दीप, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ये दोनों किसमें पैरेलल में, ये दोनों किसमें पैरेलल में, ये दोनों किसमें पैरेलल में, सर्किट फर्दर रिड्यूस हो गया, सी प्लस सी इक्विवेलेंट, सी प्लस सी इक्विवेलेंट, सी प्लस सी इक्विवेलेंट, सी ऐसा कुछ है। अब ये ऊपर वाले तीनों किसमें सीरीज में, ऊपर वाले तीनों किसमें सीरीज में, क्लियर है इतनी बात। तो ऊपर वाले तीनों सीरीज में बेटा, ग्रिड नेटवर्क आपको जरूरी कि स्क्वायर पैटर्न नहीं मिलेगा, वो आपको हेक्सागोनल पैटर्न में मिल सकता है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे पैटर्न होते हैं ग्रिड नेटवर्क के, ठीक है, इतनी बात। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको कैसा देता है। अब जरा देखो, अब ये तीनों किसमें सीरीज में, तो क्या बन गया सर्किट, ऊपर आ गया C प्लस सी इक्विवेलेंट बाय थ्री, नीचे यहां पे C, ये A, ये B, और आंसर C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट, अब ये दोनों पैरेलल में, इज इक्वल टू सी प्लस सी इक्विवेलेंट बाय थ्री। ये हो गया कि नहीं हो गया चेक करो भाई, पक्का ठीक है, देखो जरा सही लिखा मैंने। अब जरा देखो कितना हो गया, 3C equivalent is equal to 4C plus C equivalent, तो C equivalent is equal to 2C, कितना आ गया, C equivalent is equal to 2C, क्लियर है। गगनदीप कह रहा है सर AB नीचे भी तो कुछ होगा, भाई AB के अबाउट तो हमने निकाल ही लिया ना, C equivalent वही तो निकालना है, तो नीचे कुछ हो या ना हो उसका तो आंसर C equivalent पहले ही बोल दिया मैंने गगनदीप, ठीक है। अब तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2C आ गया, तो ये एक इन्फाइनाइट नेटवर्क हो गया, क्लियर इतनी बात। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, अब आ जाओ आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट, पैरेलल प्लेट कंडक्ट, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट अरेंजमेंट, अब देखो भाई बहुत सालों से आया नहीं है, पहले आता था हमारे टाइम पे, बहुत सालों से इस पैटर्न पे सवाल नहीं आ रहा है, हो सकता है अब समय आ गया हो दोबारा से आने का, ठीक है। जरा देखो इसमें क्या है हमारे पास, हमने प्लेट्स एरिया ए सेपरेशन स्मॉल डी की कई सारी प्लेट्स पैरेलल रख दी, ऐसे एक दो तीन चार, चार ले ली, ठीक है इतनी बात। अगर दो ही प्लेट होती बेटा और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता इन दोनों प्लेट्स के एंड के अबाउट, तो C वुड हैव बीन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, हाँ या ना, पक्का ठीक है बात, C वुड हैव बीन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, पक्का ठीक। चलो अब देखो जरा, तो किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में आंसर कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इसको साइड में लिख देते हैं यहां पर, अब हमारे पास ये अरेंजमेंट है बेटा, ध्यान से देखना, ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या करा, इन दोनों प्लेट्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके बैटरी के एक टर्मिनल से, और इन दोनों वायर को कंडक्टिंग वायर्स से कनेक्ट करके बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब किसी को भी आप हायर कह सकते हो, किसी को भी लोअर कह सकते हो, किसको हायर कहोगे, लेफ्ट वाले को राइट वाले को, किसको हायर कहोगे बेटा, चलो लेफ्ट वाले को, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा था अभी कि सर्किट में हम जब सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे थे तो हम लेफ्ट या राइट कहीं पर भी हायर पोटेंशियल दे दें और कहीं पर भी लोअर दे दें, रिजल्ट क्या आता था, सेम आता था। तो यहां भी ऐसे ही रहेगा, तो मैंने राइट वाले को हायर दे दिया और लेफ्ट वाले को लोअर दे दिया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या ई है,
ये कंडक्टिंग वायर है, कहीं ड्रॉप नहीं है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी क्या E, कंडक्टिंग प्लेट है भाई, कंडक्टर है, कंडक्टर पे तब तक चार्ज आता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल इसके बराबर नहीं हो जाता। सेम इसके साथ भी यही है, ठीक है इतनी बात। इसका भी E कंडक्टर है, तब तक चार्ज आता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल E के बराबर नहीं हो जाता। इसका जीरो है तो इस पे तब तक चार्ज आता रहेगा या जाता रहेगा जब तक इसका जीरो नहीं हो जाता, और इस पे भी तब तक आता जाता रहेगा जब तक इसका जीरो नहीं हो जाता। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई, यस और नो लिखो कुछ, ठीक है। अब आप मजेदार बात देखो, आपके पास E माइनस जीरो एक कैपेसिटर बन रहा है, E माइनस जीरो दूसरा कैपेसिटर बन रहा है, E माइनस जीरो तीसरा कैपेसिटर बन रहा है, तीन कैपेसिटर बन रहे हो, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, और किन्हीं भी दो का कैपेसिटेंस क्या था, सी था बेटा, पर किन्हीं भी दो का क्या था, सी। तो ये तीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गए, तीन कैपेसिटर सर्किट ऐसा हो गया हमारा, सी सी सी, ये बन गया कि नहीं बन गया हमारा सर्किट, बन गया भाई, अरे यस और नो, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट इज 3C, यानी कि C equivalent is 3 epsilon not A by D, मानते हो या नहीं मानते हो भाई, अरे चेक करो, ठीक है। अब इसके बाद अगली कहानी देखते हैं। खुशी कह रही है अगर नंबर ऑफ प्लेट्स ऑड हो, बेटा अभी मैं 5 प्लेट वाला भी कराऊंगा, 6 वाला भी कराऊंगा, 7 वाला भी कराऊंगा, 10 वाला भी कराऊंगा, तो क्यों परेशान है, ठीक है, उसके लिए परेशानी कोई नहीं है, ठीक है। कितनी भी प्लेट्स हो, मैं तो सिंपल सबसे पहले 4 प्लेट वाला अरेंजमेंट लिया भाई, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे ना। अब ऐसे थोड़ी कि सीधे ही मैं 10 प्लेट वाला दे दूंगा, एक बच्चे ने और कुछ लिखा था, वो ही बता दो भाई क्या लिखना चाहता था, कौन था। अब 4 प्लेट पे ही दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं बेटा, चार प्लेट पे दूसरा अरेंजमेंट क्या है, मैंने क्या करा, इन दोनों को साथ में जोड़ दिया और इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, ऐसा कर दिया। आप जो भी अरेंजमेंट सोचोगे सारे बनाएंगे आप, परेशान ना हो, ठीक है इतनी बात। अब इनमें किसी एक को हायर किसी को लोअर, तो इसको सपोज हायर दे दिया, इसको लोअर दे दिया, ठीक है। अब इसका ई, इसका ई, इसका जीरो और इसका जीरो, ऐसा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, E माइनस जीरो एक पोटेंशियल डिफरेंस E है, E माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस E है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये कैपेसिटर बेकार हो गया, सर्किट में कोई रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अरे क्लियर है, बीच वाला कैपेसिटर बिल्कुल ही बेकार हो गया क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो उसका कोई रोल ही नहीं है। तो अब हमारे पास ये बन गया, यानी कि क्या हो गया, 2C, यानी कि 2 epsilon not A by D, यस और नो, अरे यस और नो, ठीक है भाई। अदिति कह रही है बीच वाला कौन सा है, बीच वाला बेटा देखो इसका वोल्टेज भी E, इसका भी E, तो इनके अक्रॉस कोई, इन पे कोई चार्ज ही नहीं आ सकता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हो जाता था, कोई बीच में कैपेसिटर अगर बैलेंस हो जाए तो उसमें कोई चार्ज नहीं आता था, उस सर्किट से क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। अब एक और देखते हैं बेटा, अब देखो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और इसको ई और इसको जीरो, किसी को भी ई किसी को जीरो, अब क्या होगा, इसका पोटेंशियल ई इसका जीरो। अब इन दोनों का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, अरे यस और नो, ऊपर और नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, अरे बच्चों ठीक है बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर और नीचे वाली प्लेट्स का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों क्योंकि कनेक्टेड हैं और कंडक्टर्स हैं तो दोनों पे चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। ये तो पढ़ा हमने, कंडक्टर्स अगर दो आपस में कनेक्टेड हों तो उन पे चार्ज तब तक फ्लो करता रहता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो मुझे पता नहीं है तो मैंने इसका पोटेंशियल वी मान लिया, तो इसका भी वी होगा क्योंकि कंडक्टर है कनेक्टेड विद ईच अदर, यस और नो। अब हमारा सर्किट ई से स्टार्ट होकर के जीरो तक जा रहा है, तो ई से स्टार्ट होके जीरो तक जा रहा है,
बीच में कहीं पर V आ गया। अब देखो हमारे पास सर्किट क्या है, एक तो E माइनस जीरो है डायरेक्ट, तो E माइनस जीरो एक कैपेसिटर हो गया, C E माइनस V एक कैपेसिटर है, तो E माइनस V एक कैपेसिटर ये रहा, C और V माइनस जीरो एक कैपेसिटर है, C। ये बना सर्किट की नहीं, अगर आपको क्लियर है सर्किट तो यस लिखो फटाफट, सर्किट अगर आपको क्लियर है तो यस लिखो। एक E माइनस जीरो है डायरेक्ट, ठीक है, एक E माइनस V है और एक V माइनस जीरो है, ठीक है इतनी बात। तो अब जरा देखो ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो C बाय टू, और ऊपर वाला C किसमें, पैरेलल में, तो कितना हो गया, C इक्विवेलेंट इज 3C बाय टू, यानी कि 3 बाय टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। मानते हो या नहीं मानते हो, पक्का? चलो एक और अरेंजमेंट देखते हैं बेटा, अभी तो मैं आपसे चार्ज भी पूछूंगा प्लेट्स पे, अभी तो मैं सिंपल आपको करा रहा हूं, आप चिंता ना करो, अभी सारी चीजें होंगी। अब जरा देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब बताओ भाई किसको हायर देना चाहोगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को, हायर किसको देना चाहोगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को, जल्दी बताओ बेटा, देर मत करो, ऊपर वाले को, मेहत कह रहा ऊपर वाले को दे दो, तो दे देते हैं भाई ई और ये जीरो, ठीक है, अरे कहीं भी दे लो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये ई हो गया, ये जीरो हो गया, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो वी और ये भी वी, हाँ या ना, अरे यस नो। चलो अब सर्किट फिर से बना लेते हैं, ई से जीरो, बीच में कहीं पर वी। अब जरा देखो ई माइनस वी एक है और वी माइनस जीरो और वी माइनस जीरो दो हैं पैरेलल में, सर्किट ये बन गया। अगर आपको सर्किट क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, सर्किट क्लियर है तो यस लिखो, हार्दिक को क्लियर है, पूर्वा को क्लियर है, ठीक है बढ़िया। अब मजेदार बात देखो, C और C जो पैरेलल में है V माइनस जीरो, उनका क्या हो जाएगा, 2C, हाँ या ना, 2C हो जाएगा। उसके बाद ये C किसमें, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 2C by 3, तो C equivalent is 2C by 3, यानी कि 2 epsilon not A by 3 D। बन गया कि नहीं बन गया, C equivalent, कपिल जी अटक गया क्या, नहीं ठीक है, C equivalent is equal to 2 epsilon not A by 3D, आगे कि नहीं आगे। अब थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ा देते हैं, जैसे कुछ बच्चों की दिक्कत थी कि ऑड नंबर ऑफ प्लेट्स हो, ज्यादा हो तो क्या होगा, कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। पांच प्लेट्स कर दी मैंने, ठीक है। चलो अब देखो भाई, हमने क्या करा बेटा, इसमें वन और फोर को जोड़ दिया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ऊपर वाली प्लेट को इस वाली प्लेट से जोड़ दिया, ठीक है इतनी बात। और इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट के बीच में हमने बैटरी लगा दी, हायर और लोअर। अब आप एक बात बताओ बेटा, किसको हायर दूं, और इस प्लेट को कोई पोटेंशियल दिया नहीं मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ, सी इक्विवेलेंट बताना है, किसको हायर दूं ई और किसको जीरो दूं, ऊपर वाले को ई दूं या नीचे वाले को, आप बता दो, आपकी मर्जी चलेगी। खुशी शर्मा ने कहा ऊपर वाले को ई दे दो, नीचे वाले को ई दे दो, ऊपर वाले को, चलो ऊपर वाले ज्यादा हैं, ठीक है, नीचे वाले कम हो रहे हैं, ठीक है इतनी बात, नहीं नीचे वाले ज्यादा हो गए, अब फिर ऊपर वाले, चलो मेरी मर्जी है, मैं कोई भी दे देता हूं, ऊपर वाले को ई दे दिया, नीचे वाले को जीरो दे दिया, तो ये ई हो गया और ये जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको V कहते हैं तो ये भी V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कनेक्टेड विद ईच अदर है, कंडक्टर है। इसका पोटेंशियल V डैश कितना, V डैश हमें पता नहीं इसके बारे में कुछ भी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, V डैश लिखेंगे, यस और नो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम सर्किट बनाते हैं, हमें कहां से कहां तक बनाना है, E से जीरो, तो ये हमारे पास E, ये हमारे पास जीरो, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, एक आपने V बना दिया बीच में और एक आपने V डैश बना दिया, ठीक है, ऐसा बना लो, ठीक। अब जरा देखो, E से V डैश एक है, C, E से V एक है, C, ठीक है, V डैश से V एक है या नहीं, और एक है V से जीरो, एक कहां से कहां है, V से जीरो, बन गया कि नहीं बन गया, हां या ना, बन गया सर्किट। अब जरा देखो, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ऊपर वाले ये दोनों सीरीज में है या नहीं, तो ऊपर क्या हो गया, C by 2 हो गया, तो ये आ गया C by 2, नीचे ये क्या C, और इधर क्या ये C, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में, पैरेलल में तो कितना हो गया 3C by 2, हाँ या ना, अरे यस और नो। अब ये दोनों किस में आ गए बेटा, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, ये दोनों खुद किस में आ गए, सीरीज में आ गए कि नहीं आ गए, पक्का, ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो बेटा जरा देखो, सी इक्विवेलेंट इज 3C/2 इंटू सी अपॉन 3C/2 प्लस सी कितना, 5C/2, 2 से 2 कट गया, C से C कट गया, C equivalent is 3C/5, यानी कि C equivalent is 3 epsilon naught A/5 D, पक्का, ठीक है भाई, ठीक। चलो अब और देख लेते हैं बेटा, चलो अब मैं क्या करूंगा, लेक्चर को यहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे अब इन प्लेट्स पे चार्ज कितना कितना आएगा वो करना है अगला क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा बड़ा सा सवाल होगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रेंशन में चार्जेस की बात करेगा जब भी कॉम्प्रेंशन देगा, ठीक है।